प्राकृतिक गैस ने ही कतर को संपन्न बनाया है और इसी की मदद से यह खाड़ी देश मौजूदा राजनयिक संकट से बाहर आ सकता है। कतर दुनिया में तरल प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है। प्राकृतिक गैस की कतर से होने वाली आपूर्ति पर कई देश निर्भर हैं, यानी यह प्राकृतिक संपदा ही कतर के लिए इस संकट की घड़ी में संकट मोचक का काम कर सकती है। कतर से होने वाली आपूर्ति ब्रिटेन में सर्दी के समय घरों को गर्म रखती है, इसी से एशियाई मार्केट को ईंधन मिलता है। पिछले हफ्ते राजनयिक विवाद शुरू होने के बाद से अब तक कतर ने प्राकृतिक गैस की सप्लाई इन देशों को अबाधित जारी रखी है। अभी तक इसके दाम पर विवाद का कोई असर नहीं पड़ा है। अगर संकट लंबा खींचा तो कतर इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अन्य देशों को सप्लाई रोक सकता है। सप्लाई रुकने की स्थिति में जो देश कतर पर निर्भर हैं, वे देश इस छोटे राष्ट्र का पक्ष लेने पर मजबूर हो सकते हैं। क्रिस्टीन कोत्सलरसेन ने बताया, अगर कतर गैस निर्यात को रोक देता है तो ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन में ऊर्जा संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी और उनको कहीं और से ऊर्जा का बंदोबस्त करना पड़ेगा। कतर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी करने जा रहा है। तेल की कमाई से ही स्टेडियम बनेगा और इसकी राजधानी दोहा को विकसित किया जाएगा। बीते समय में सऊदी अरब और बहरीन के साथ कतर का भूभाग पर कब्जे को लेकर विवाद हो चुका है। कतर में 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और यूएस मिलिट्री के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय यहीं है। कतर बदला लेने के लिए समुद्र के नीचे से यूएई जाने वाली डॉल्फिन एनर्जी पाइपलाइन को बंद कर सकता है।